राजस्थान के सवाईमाधोपुर जिले का बरवाड़ा कस्बा इन दिनों माता के जयकारों से सराबोर है। दरअसल वहां चार दिन तक चलने वाले चौथ माता मेले का शुभारंभ हो चुका है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपनी मन्नतों के लिए माता के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। राजस्थान ही नहीं बल्कि देश भर से माता के भक्त वार्षिक लखी मेले में पहुंचते हैं। चौथ माता के दरबार में भक्तों की आस्था का सैलाब, माता के जयकारों से गुंजायमान हुआ राजस्थान का बरवाड़ा, श्रद्धा और भक्ति का संगम, मंगल आरती के साथ मां का गुणगान। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में चौथ माता मेले में मां के दर्शन की मुरीद के लिए भक्तों के जत्थों का पहुंचना जारी है। क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे, क्या महिला या क्या नौजवान, हर कोई बस माँ की भक्ति में सराबोर है और हर जुबा पर बस माँ का नाम है। हमें तो मिला है, जो मांगा जो मिल गया, और मांगने की कोशिश है वो मिलेगा। पांच माता की मान्यता है कि जो यहाँ पे सुहाग अपने सुहाग के लिए जो भी मांगा चाहता है लंबी आयु के लिए वो मिलता है यहाँ पे, और जो भी हम मांगना चाहते हैं अपनी लाइफ में तरक्की जो भी है वो सारी मनोकामनाएं पूरी होती है यहाँ पे। जो मांगते हैं वो मिलता है माता रानी से, मन में आस्था रखो, बस एक मन से आओ। मौसम सर्दी का है लेकिन माता के भक्तों में जोश कम नहीं है। मनोकामना पूरी होने पर कोई पदयात्रा कर रहा है, कोई दंडवत यात्रा, परिवार की सुख समृद्धि की कामना के अलावा यहाँ सुहागिने अपने पति की लंबी आयु के लिए चौथ माता की आराधना करती हैं। माता की महिमा पर भक्तों का अटूट विश्वास है जो उन्हें यहाँ तक खींच लाता है। पूरे परिवार में सुख समृद्धि के लिए और अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए, और ये आज विशेष चतुर्थी तिल चौथ बोलते हैं इसको, माँ के महीने में ये चतुर्थी के दिन आती है। इस दिन सभी औरतें पहले तो अपने राजस्थान तक सीमित है, अब पूरा इंडिया। चौथ माता के चार दिन के लखी मेले में करीब 7 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। मेले में कई तरह के धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन भी होते हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। राजस्थान से सुनील जोशी, गुड न्यूज़ टुडे।